हे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से टेक्निकल दिलसाद यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा गूगल पे QR कोड व्हाट्सएप पर कैसे शेयर करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बेस्ट हो सकता है अगर आप बिगिनर्स हैं, आप व्हाट्सएप के बारे में और नॉलेज लेना चाहते हैं, आप गूगल का QR कोड व्हाट्सएप ऐप पर भेजना चाहते हैं। और जैसे कि आपको पता है वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है और वीडियो में बहुत सारा समय लगता है। अपने घर के पर्सनल काम छोड़कर मुझे यहाँ पर वीडियो बनाना पसंद है, वीडियो में मेहनत करना पसंद है। और इस मेहनत में अगर आपको थोड़ी सी भी मेहनत आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों जब आप गूगल पे ऐप को ओपन करते हैं और यहाँ पर आप जब इसे अनलॉक कर लेते हैं और यहाँ पर आप प्रोफाइल पर टच करते हैं और यहाँ पर आप टच करने के बाद अपना QR कोड देख सकते हैं। लेकिन ये जो QR कोड है इसे सेंड करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। आप यहाँ पर अगर इसे WhatsApp पर सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर WhatsApp पर सेंड करने का ऑप्शन Google Pay ऐप के अंदर इसमें नहीं है। अब ऐसी क्या ट्रिक लगानी है जिसके द्वारा आप इस Google Pay के QR कोड को WhatsApp के द्वारा अपने दूसरे फ्रेंड पर शेयर कर सकते हैं? सबसे पहले तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अपने इस QR कोड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके लिए आपको पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन एक साथ दबाना है और उसके बाद आपका जो स्क्रीनशॉट है वो लिया जाएगा। अब यहाँ पर हमने अपना स्क्रीनशॉट ले लिया है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको गूगल पे ऐप से बाहर आ जाना है। और अब आपको गूगल पे ऐप से बाहर आने के बाद अपने मोबाइल की गैलरी ओपन करनी है। और मेरे मोबाइल में यहाँ पर एक ऐप है गूगल फोटो नाम से, मैं यहाँ पर इसे ओपन कर देता हूँ। अब आपको नीचे यहाँ पर लाइब्रेरी पर टच करना है। लाइब्रेरी पर टच करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। हमारे सामने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट नाम से एक फोल्डर आ चुका है। आपके मोबाइल की गैलरी में भी शायद आपको ये फोल्डर दिखाई दे सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पर टच करना है और जिस गूगल पे QR कोड का आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसे यहाँ से आपको ओपन कर लेना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको एक शेयर का आइकन दिखाई देगा। सिंपल आपको यहाँ पर एक बार टच करना है और यहाँ पर आपको व्हाट्सएप पर अब टच कर देना है। अब यहाँ पर आप अपने उस फ्रेंड को चुन सकते हैं जिसे आप व्हाट्सएप का ये QR कोड भेजना चाहते हैं। मैं यहाँ पर एक बार टच कर देता हूँ और नीचे यहाँ पर सेंड पर एक बार टच कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम दोबारा सेंड पर टच कर देते हैं तो यहाँ पर अब हमारा जो गूगल पे ऐप का QR कोड है हमने व्हाट्सएप ऐप के जरिए इसे सेंड कर दिया है। इस तरह आप बड़ी आसानी से अपने गूगल QR कोड का स्क्रीनशॉट लेने के बाद व्हाट्सएप के द्वारा इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे गूगल पे QR कोड को व्हाट्सएप पर कैसे भेजते हैं। जैसे कि वीडियो के लास्ट में भी मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, अपने घर के पर्सनल काम छोड़कर मुझे वीडियो में समय देना होता है। YouTube वीडियो बनाना, YouTube वीडियो के लिए मेहनत करना मुझे पसंद है। और अगर आपको इस मेहनत में थोड़ी सी भी मेरी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। और हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।